बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है और हम सबको चाहिए होता है कि हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो, और उसके लिए हम लोग सिर्फ योगा के पीछे भागते हैं ये सोच के कि योगा करके बॉडी फ्लेक्सिबल होगी। 100% होगी, बट उसी के साथ और भी काफी सारी बेसिक एक्सरसाइजेस है जो करके भी आप बॉडी फ्लेक्सिबल बना सकते हो। हेलो एवरीवन, आई एम गौरव फ्रॉम इट्स ऑल अबाउट जर्नी एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू लुक आफ्टर फ्यू एक्सरसाइजेस व्हिच आर गोना हेल्प यू टू इंप्रूव योर बॉडीज फ्लेक्सिबिलिटी। जिम या कोई एक्सरसाइजेस करने से हमारे मसल स्ट्रांग होते हैं और मसल ग्रोथ भी होती है, बट कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मसल ग्रोथ के साथ साथ मसल स्टीफ भी हो जाते हैं। बट मसल ग्रोथ के साथ साथ हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके कई सारे फायदे हैं। फर्स्ट वन इज जॉइंट हेल्थ। फ्लेक्सिबल मसल्स एंड जॉइंट का मतलब ऐसा होता है कि आपके जॉइंट्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, और अगर आपके मसल्स बहुत स्टीफ होंगे तो जॉइंट्स में स्ट्रेन आता है और ओवर द टाइम इसके कारण आपको अर्थराइटिस के चांसेस आते हैं। सेकेंड वन इज हेल्प इन लोअर बैक पेन। अगर आपके मसल्स बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है तो आपको लोअर बैक पेन कम होने में हेल्प हो सकती है। थर्ड वन इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस। फ्लेक्सिबिलिटी इज सुपर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इफ यू वॉन्ट गुड पोस्चर एंड गुड बैलेंस। अगर आपके मसल्स फ्लेक्सिबल है तो आपके बॉडी का वेट बॉडी अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है और उससे आपके बॉडी का ओवरऑल बैलेंस जो है वो इंप्रूव होता है। फोर्थ वन इज डिक्रीजिंग स्ट्रेस एंड टेंशन। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करते हो तो उससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और इससे आपका स्ट्रेस भी रिलीफ होता है, और ये चीजें करने से आपका मूड भी काम हो जाता है और आपको अच्छी नींद भी लगती है। फिफ्थ वन इज इंजरी प्रिवेंशन। इफ यू हैव फ्लेक्सिबल बॉडी देन आपको बहुत कम इंजरीज होने के चांसेस होते हैं। मेनली जब आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हो तो आपकी बॉडी अगर फ्लेक्सिबल है तो आपके जॉइंट्स एंड मसल्स ईजिली वो फिजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। सिक्स्थ वन इज गुड रेंज ऑफ मोशन। अगर आपकी बॉडी अच्छी फ्लेक्सिबल है तो आपको हर एक एक्सरसाइज में रेंज ऑफ मोशन बहुत अच्छा मिलने वाला है, जिससे आपका मसल 100% मूव करेगा, और इसका ही हेल्प आपको आपके डे टू डे एक्टिविटीज में ही होगा। आप घर पे भी जो भी काम करते हो उसमें आपको फुल रेंज ऑफ मोशन मिलेगी। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ब्लड सर्कुलेशन इन योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी अच्छी फ्लेक्सिबल है तो आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है, उसकी वजह से आपके मसल्स को अच्छा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई हो जाता है, एंड ये आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। After listening to all of these things, now you must have understood that body flexible होना कितना ज़्यादा important है। तो अगर आपको body flexible रखना है तो yoga के साथ आप कुछ basic exercise भी कर सकते हो। Now let's talk about those basic exercises. First one is forward lunges. Forward lunges एक super strong exercise है जिससे आपकी पूरी lower body shape में आने वाली है और strengthen भी होने वाली है। ये एक्सरसाइज करने से लोअर बॉडी के सारे मसल्स काम करते हैं, जैसे कि हिप्स, ग्लूट्स, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स एंड काफ्स। सेकंड वन इज स्टैंडिंग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। ये स्ट्रेच करने से और नी और हिप का रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव होता है, इससे हमारे लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और आपको बैक पेन से भी रिलीफ मिलता है। थर्ड वन इज स्पाइनल ट्विस्ट। स्पाइनल ट्विस्ट हमारे चेस्ट, अपर बैक एंड शोल्डर को रिलैक्स करता है, उसी के साथ साथ ये डाइजेशन को स्टिम्युलेट करता है और हमको बहुत रिलैक्सिंग वाली फीलिंग भी देता है। फोर्थ वन इज डाउनवर्ड डॉग। डाउनवर्ड डॉग स्ट्रेंथन्स द अपर बॉडी, इलोंगेट्स द स्पाइन, स्ट्रेंथन्स हैंड्स, wrist and fingers. It also opens up the back of legs, improves circulation and relieves the tension and stress. Fifth one is knee to chest exercise. It improves the flexibility and range of motion in the hips, hamstrings and the glutes. This is a great way to relieve muscle tension in your lower back and hips, often related to the activities like going up and down in the stairs or sitting for longer periods of time. Next one is cat and cow stretch. Cat and cow poses increases the flexibility of your neck, shoulders and the spine. The movement also stretches the muscles of hips, back and abdomen and the chest. Seventh one is hill walking. Any type of physical activity causes an increase in your heart rate, conditions the body to realistic terrain, targets the posterior chain muscles, increase activation of lower leg muscles, increases calories burning, also helps in overall flexibility as well. तो ये सारी exercises थी जिससे आपकी body flexible बन सकती है। I know that yoga करके भी बहुत body flexible बनती है, बट काफी टाइम योगा करने के लिए हमें टाइम नहीं मिलता, तो ये सारी बेसिक एक्सरसाइज हम लोग पोस्ट वर्कआउट कर सकते हैं जिससे हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल बने। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको अपनी बॉडी फ्लेक्सिबल बनानी है। टिल देन, हैप्पी वर्कआउट।